हेलो दोस्तों, स्टडी जी के ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिकों भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। जी दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया, आपको आंसर भी, इसके चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको चार विकल्प चुनना है दोस्तों। पहला विकल्प दिया गया है कि अनुच्छेद 39 ए, दूसरा विकल्प दिया गया अनुच्छेद 43 बी, तीसरा विकल्प दिया गया अनुच्छेद 36, चौथा विकल्प है अनुच्छेद 38। जी हाँ दोस्तों, आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूँ, 5 सेकंड में आपको उत्तर देना है दोस्तों, सोचने के वक्त 5 सेकंड के बाद। जी हाँ दोस्तों, इसका आप आंसर सोच सकते हैं। इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 43 बी। दोस्तों अनुच्छेद 43 बी कहता है कि अनुच्छेद 43 बी में यही कहता है कि भागीदारी श्रमिकों की भागी तो सुरक्षित करने की बात इसी अनुच्छेद में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों कि किस मकबरे को अहमदाबाद का इको पोलिस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस मकबरे को अहमदाबाद का इको पोलिस कहा जाता है दोस्तों। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है इत्मादुद्दौला का मकबरा, लोदीर का गार्डन, नंबर 3 दिया गया हिमायूं का मकबरा, नंबर 4 सरखेज का मकबरा, सरखेज रोजा। जी हाँ दोस्तों, आपको 5 सेकंड के अंदर आप सेट करें कि इसका आंसर क्या है क्या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है नंबर 4 सरखेज रोजा। जी हाँ दोस्तों, सरखेज रोजा अहमदाबाद में गुजरात में स्थित है दोस्तों। हिमायूं का मकबरा एंड लोधी का गार्डन, ये दोनों दिल्ली में स्थित है दोस्तों। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष को पहला योगदान दिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको उस देश का नाम बताना जिन देशों ने शोषण, यौन शोषण के शिकार के लोगों के संयुक्त राष्ट्र के कोष को पहला योगदान दिया दोस्तों। जी हाँ, ऑप्शन पहला दिया गया भारत, दूसरा चीन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा अमेरिका। जी दोस्तों, आपको इसका आंसर 5 सेकंड के अंदर सोचना है दोस्तों। जी हाँ, इसका आंसर है भारत दोस्तों, नंबर 1 भारत लिखा। क्वेश्चन नेक्स्ट कि कोरिंगा ग्रान वन कहाँ स्थित है। कोरिंगा एक ग्रान वन है जी दोस्तों, और कोरिंगा एक अभ्यारण भी है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर आपको बताना, क्योंकि कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। जी हाँ दोस्तों, आपको 5 सेकंड के अंदर इसका जवाब देना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, क्या आंसर है इसका, आंध्र प्रदेश इसका आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा रोग हड्डी से संबंधित नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें से 4 रोग दिए गए, इनमें से 3 रोग हैं हड्डी से संबंधित हैं, लेकिन एक रोग है हड्डी से संबंधित नहीं। नंबर 1 कर्मिनोमा रोग, नंबर 2 ऑस्टियोपोरोसिस रोग, नंबर 4 सार्कोमा रोग, नंबर 4 है ल्यूकेमिया रोग दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये आपको 4 रोग दिए गए हैं हड्डी से संबंधित रोग हैं, ये हड्डी से, हड्डी में होने वाले रोग हैं दोस्तों। आपको बताना कौन सा हड्डी में से संबंधित रोग नहीं है दोस्तों। आपको 5 सेकंड के अंदर इसका जवाब देना है दोस्तों। वीडियो को पुश भी कर सकते हैं आप, जब आंसर दें तो वो आंसर आप देख लें अपने पुश करके। इसका आंसर राइट है दोस्तों, कर्मिनोमा रोग, यह त्वचा से संबंधित रोग है दोस्तों, हड्डी से संबंधित नहीं। हड्डी से संबंधित रोग ये है, एक ये है, एक ये है, ये तीनों हड्डी से संबंधित रोग है। ये अस्थि मज्जा हड्डी से संबंधित रोग है, कैंसर हो सकता है, ये हड्डी में होने वाला रोग है, कर्मा ये हड्डी में भी होने वाला रोग है दोस्तों। इसका आंसर है पहला, जो संबंधित नहीं है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मॉडम किस प्रकार का उपकरण है दोस्तों, जो मॉडम कंप्यूटर में लगाया जाता है जिससे नेट चलता है दोस्तों, मॉडम जो है वो किस प्रकार का यंत्र है दोस्तों। आउटपुट इनपुट दोनों इनमें से कोई नहीं दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कौन सा दोस्तों है। जी हाँ दोस्तों, आपको 5 सेकंड के अंदर आपको सोचना है दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों, इनपुट आउटपुट दोनों ही मॉडम उपकरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसिया एक आम बीमारी है दोस्तों, ये जैसिया नहीं है या रोजैसिया बीमारी है दोस्तों, यहाँ पर गलत लिख गया, रोजैसिया बीमारी दोस्तों है, रोजैसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। जी दोस्तों, रोजैसिया एक आम बीमारी है दोस्तों, मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है दोस्तों। जी आपको बताना है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन कौन से दिए गए ऑप्शन। नंबर 1 नस, ऊतक, त्वचा, हड्डी। जी हाँ दोस्तों, और कौन सी है, ये रोजैसिया नामक एक बीमारी है, रोजैसिया। जी हाँ दोस्तों, रोजैसिया एक नामक बीमारी है, यह बीमारी किस भाग में प्रभावित करती है, किस भाग को प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर है त्वचा। यह रोजैसिया त्वचा से संबंधित बीमारी, त्वचा को यह अपना वो शिकार बनाती है, रोजैसिया बीमारी होती है त्वचा को। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, अब अगर आपको उच्च शुद्धता का जर्मेनियम प्राप्त करना है तो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों। नंबर 1 दिया गया क्षेत्र परिशोधन के द्वारा, नंबर 2 दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट परिशोधन के द्वारा, नंबर 3 दिया वाष्प चरण परिशोधन के द्वारा, नंबर 4 दिया गया द्रव्यीकरण के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है पहला, क्षेत्र परिशोधन के द्वारा दोस्तों, यही इसका आंसर है, क्षेत्र परिशोधन के द्वारा ही शुद्धिकरण किया जाता है जर्मेनियम को। नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया, 9 नंबर का प्रश्न दिया गया है, लिखा भारत सरकार में शीर्ष स्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार में शीर्ष स्तर पर कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक माना जाता है। नंबर एक लिया है अटॉर्नी जनरल, नंबर 2 दिया है खुफिया ब्यूरो के निदेशक, नंबर 3 दिया है जनरल एवं महालेखा परीक्षक, नंबर 4 दिया है कैबिनेट सचिव। जी हाँ दोस्तों, इन 4 में से आपको एक सही उत्तर आपको चुन कर देना है। जी दोस्तों, आपने शायद 5 सेकंड के अंदर ही सोच लिया इसका आंसर क्या होना चाहिए। जी हाँ, जिन दोस्तों ने 4th आंसर सोच रखा है वो आंसर सही है, वही होता है वरिष्ठ लोक सेवक भारत सरकार का। नंबर 0 प्रश्न का आपको उत्तर देना है दोस्तों, इसमें क्या लिखा 0 में कि कैप्चर जो होता है, कैप्चर का फुल फॉर्म क्या दोस्तों होता है, CAPTCHA, आपका इसका फुल फॉर्म बताना दोस्तों क्या होता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सबसे लास्ट में जाएं, जब आप पूरा चले जाएंगे सबसे लास्ट में मिलेगा, वहीं पर आप लिख कर ही दें, कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, सॉफ्टवेयर के द्वारा एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जाता या नहीं जा सकता, जिसे आमतौर पर बेहतरीन ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है दोस्तों। आपको उस बताना उसका
जो एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कैप्चा कहते हैं, वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, यानी कि सिक्योर एक्सेस कहते हैं, या कोड हैक कहते हैं। आपको दोस्तों इन चारों में से बताना। जो दोस्तों हमने अभी आपको पढ़ाया ऊपर क्या लिखा था, जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपने क्या सोच रखा है, जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है OTP, OTP दोस्तों, यह OTP है, वन टाइम पासवर्ड है, ये कभी भी दोबारा यूज नहीं किया जाता है। ये कैप्चा वाला है, जो आप कभी फार्म भराते हैं उसमें एक कैप्चा आता है, उसमें CGN करके उसमें कुछ अंक कुछ शब्द लिख के ABC के आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने समझ गए दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी कैप्चा का फुल फार्म लिख करके कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद दोस्तों।